के लिए हरडन टाटा मोटर्स में हूँ गुड़गांव, और मेरे साथ हैं गौतम सर जो हैरियर कस्टमर केयर देख रहे हैं पूरा। तो सर मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक्चुअली हम इंडियंस का हम नॉर्मल बजट में है ना एक ऐसी गाड़ी देखते हैं जो पावरफुल भी हो, सेफ भी हो और फीचर लोडेड भी हो। तो जो हैरियर देख रहे हैं वो पावरफुल है कंपस की तरह, और फीचर लोडेड है क्रेटा की तरह, और सेफ है नेक्सॉन की तरह। तो और इसका जो रेंज है वो क्रेटा से मैच करती है। तो एक बजट में, नॉर्मल बजट में जो आपको ना पावरफुल गाड़ी मिल रही है, फीचर लोडेड भी मिल रही है और सेफ गाड़ी मिल रही है। तो आज हमारे साथ गौतम सर हैं, हम इनसे पूछेंगे। एक्चुअली हमारे क्लब में काफ़ी मेंबर्स हैं जिन्होंने पहले बुक की हुई है गाड़ी, तो आप बताओ कि मतलब बनामना की जिन्होंने पहले बुकिंग की थी एट द टाइम ऑफ जब ये जब बुकिंग शुरू हुई बुकिंग शुरू हो गई थी 15 अक्टूबर से। ओके, तो जिन्होंने 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बुकिंग करी है। ओके, वेरिएंट वाइज उनकी है बेसिक मॉडल एक्सी की है, मार्च तक मिल जाएगी गाड़ी। ओके, एक्सएम और एक्सटी और एक्सजेड उनका टेंटेटिव टाइम है फरवरी। ठीक है, और जिन्होंने 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक करी है बुकिंग, सेम एक्सी बेसिक मॉडल का तो है मार्च। ओके, एक्सएम और एक्सटी है फरवरी, और जो टॉप मॉडल है एक्सजेड मार्च। ओके, और नवंबर की बुकिंग वालों के लिए अप्रैल बेसिक मॉडल के लिए, मिडल एक्सएम और एक्सटी के लिए मार्च, और एग्जैक्ट के लिए अप्रैल है। ओके, दिसंबर के लिए बेसिक मॉडल है मई, और बाकी मॉडल के लिए है अप्रैल। ओके, और जून में जिन्होंने लॉन्च से पहले यानी 23 जनवरी से पहले जनवरी में लॉन्च हुई। ओके, जनवरी में जब 23 जनवरी से पहले जिन्होंने बुक कर ली 22 जनवरी तक, उनके लिए है एक्सी मॉडल है जून, और बाकी मॉडल है अप्रैल। ओके, और सर जो अब अगर आज बुक करते हैं गाड़ी, और जो अभी बुक कर रहे हैं एक्सी मॉडल जो बेसिक है, उसमें वेटिंग टाइम चल रहा है 18 से 22 हफ्ते का। ओके, बाकियों के लिए है कोई भी वेरिएंट देखते हो 12 से 15 हफ्ते। ओके ओके, तो सर इसमें कलर का आप बताओगे, कलर जो स्कीम है बेस, जो बेस मॉडल है एक्सी मॉडल उसमें सिर्फ वाइट कलर आएगा। ओके, एक्सएम में कॉपर कलर को छोड़ के बाकी चार कलर आएंगे, और एक्सटी और एक्सजेड में पांचों कलर आएंगे। तो सर ये अभी ये हमेशा ऐसे रहने वाला है या कुछ टाइम बाद सारे कलर बेस में मिलेंगे? इसका अभी, कुछ अभी, अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं टाटा गैंग से, भी अभी ऐसा कुछ करेंगे। ओके ओके, रिसेंटली क्या होता है बेसिक मॉडल में सारे कलर नहीं होते, हर मैन्युफैक्चर सारे कलर नहीं मिलते। और सर जो अभी टाटा ने रिसेंटली एक्सेसरीज अपनी साइट पे दिखाई है, तो वो कब तक है आपके पास? हमारे पास आ गई है एक्सेसरीज, हार्टन मोटर्स में आ गई है, और फिटिंग भी हो गई है हमारे पास। कल एक्सेसरीज उतरी थी और आज गाड़ी में लग रही, ताकि हम कस्टमर को दिखा भी पाए गाड़ी में लगा। तो अभी जो एक्सेसरीज आई है ऑनलाइन वो सारी अवेलेबल है या कुछ है अभी जो अभी पेंडिंग है? कुछ अभी पेंडिंग है, अभी आई नहीं है। ओके, ऑर्डर हमारे सारी जितनी टोटल है सारे के सारे का हमारा ऑर्डर लग चुका है। ओके, जितनी आ गई थी उसमें से जो टॉप ऑर्डर में लग सकती थी वो ऑलमोस्ट सारी आ गई है, वो लग रही है। साइड स्टेप है तो आप देख सकते हैं एक्सेसरीज का फिटमेंट का काम चला हुआ है एरियर में। तो सर थैंक यू सर, मैं अभी एक क्विक वॉकआउट कर लेता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ। ओके सर, फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी, जो ये डुअल फंक्शन GRL से और इंडिकेटर्स भी फंक्शन है इसमें, DRL फंक्शन है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये अपना बाइजेनॉन इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है विद हाई बीम, एंड दिस कॉर्निंग फंक्शन फॉग लैम्प्स है। अगर आप इसमें क्या है, अगर फॉग लैम्प ऑन होंगे तो आपका कॉर्निंग फंक्शन काम करेगा, अगर ऑफ होंगे और आप टर्न ले रहे हो तो ये ऑन हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ये ग्रिल्स की, ये टाटा ने बिल्कुल इस टाइम नेक्सॉन की तरह ग्लॉसी ग्रिल्स दिए हैं और हनीकॉम स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें जो लार्जर एयर डैम्स है इसके, ये आप देख सकते हैं कितना गैप है। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर पावरफुल गाड़ी है, 2000 लीटर का इंजन है तो इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है एयर सप्लाई की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये इसके अलॉयज़ की और डिस्क की, अलॉय में आप बात करते हैं तो इसमें ना अलॉय सिल्वर फिनिश दिया टाटा ने, अगर इसको थोड़ा डार्क फिनिश करते तो आई थिंक ज़्यादा बेटर लुक आती। और ये आप देख सकते हैं इसमें जो डिस्क है, इसमें ब्रेक वाइपिंग फंक्शन है, जैसे ही आप वाइपर ऑन करोगे अगर रेनी सीजन में आप ड्राइव कर रहे हो, और अगर आप वाइपर ऑन करते हो तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पे जब ये ना पानी इकट्ठा हो जाता है जब आप रेड रोड पर ड्राइव करते हो, तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये इसमें ब्रेक वाइपिंग डिस्क फंक्शन है जो इसके जो पानी को है वो कुछ इंटरवल बाद अपने आप साफ़ करता रहेगा। वो गाड़ी को बिना स्टॉप किए हल्का सा पास आएंगे ब्रेक पैड्स और ये इसका क्लीन कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं ये जो है इसके जो ये अपने जो इंडिकेटर्स दिए हैं, ये LED हैं और काफ़ी अच्छा फंक्शन है, ये जब ये ऑन होते हैं काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग है। और ये आप देख सकते हैं जो इसमें कलर कॉम्बिनेशन है, ऊपर कॉपर कलर है, नीचे ब्लैक है, दोनों ग्लॉसी शाइन है, काफ़ी अच्छा है ये। उसके बाद देख लेते हैं ये
इसमें क्या है, ये काफ़ी लग्जरी फील देता है इसको, ये क्रोम फिनिश है कॉपर में एम्बेडेड, काफ़ी अच्छे देता है उसके। अगर मेरे को एक चीज़ मैंने नोटिस की है, अगर आप ये देखते हैं तो यहाँ पे फिट फिनिश आप देख सकते हैं, ये आप ज़्यादातर नोटिस नहीं करेंगे बट मैं बता देता हूँ यहाँ पे फिट फिनिश में काफ़ी कमी है इसमें। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रियर अपने टायर्स है, इसमें आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक है, इसमें मैक्सिमम आजकल जो न्यू कार्स आ रही है उसमें क्या है रियर कारपेट दिया जा रहा है, बट इसमें टाटा ने प्लास्टिक है, उसकी स्ट्रेटजी मेरे को समझ नहीं आई क्या चीज़ है। कारपेट से क्या है कैबिन नॉइस काफ़ी कम हो जाता है, बट ये ड्राइव करके पता लगेगा इसमें कैबिन नॉइस है नहीं है, क्या टाटा ने प्लान किया है वो सब ड्राइव करके ही पता लगेगा इसकी गाड़ी। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो ये है अपना जो पीछे की LED लाइट्स हैं, ये पूरा एम्बेडेड है विद ब्लैक स्ट्रिप ऑफ रियर जिस पे टाटा लगा हुआ है पूरा ये, और ये रियर कैमरा है, ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है, कई गाड़ियों में क्या नीचे होता है वो रेनी सीजन में काफ़ी डिफिकल्टी क्रिएट करता है, कुछ आप ड्राइव करोगे तो वो डर्टी हो जाता है और बड़ी ही दिक्कत आती है। 425 लीटर का बूट स्पेस है जो आप देख सकते हैं इसमें, काफ़ी अच्छे से ये टूल किट्स वगैरह रखने का काफ़ी अच्छा है, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपरली एम्बेडेड टूल किट आप रख सकते हैं उसमें, उसको रख सकते हैं नीचे, ये आपका टूल किट देख सकते हैं। ये JBL का मेन टैग, JBL पावर्ड सबवूफर, ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है, इसको आप देख सकते हैं ना नीचे, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या है, अगर ये मेटल का होता तो कई बार ओपन करते हुए टच हो जाती है बॉल से, वो चीज़ आपकी प्रोटेक्ट होगी इससे, आपको कोई डिफिकल्ट नहीं आएगी इससे। दूसरा ये जो आप जोर देख रहे हैं ये चीज़, ये सिर्फ शो के लिए है, ये फंक्शन नहीं है, इसमें साइलेंसर सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेगा, ये सिर्फ लुक के लिए किया है टाटा ने, लैंड रोवर से इंस्पायर तो लुक के लिए आपने दी गई इसमें। ये देख सकते हैं आप हैरियर क्रॉस्ड में एम्बेडेड और शार्क पे लेती ना ब्लैक कलर, ब्लैक ग्लॉसी कलर, ये आप देख सकते हैं रियर स्पेस। मैं आपको दिखा देता हूँ लेग रूम, 6 feet मेरी हाइट है और इसमें अभी भी काफ़ी स्पेस है, तो ऊपर हेड रूम भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, ये आप देख सकते हैं JBL पावर्ड स्पीकर्स है, ये काफ़ी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, ये सॉफ्ट टच है, ये आप देख सकते हैं। गाड़ी में 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, वाइपर्स में भी काफी अच्छी क्वालिटी है वाइपर्स की भी। तो फ्रेंड्स इस टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइव रिव्यू, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप पॉइंट नोटिस करोगे कि इसमें जो ये स्लाइडिंग चैनल्स हैं सीट के, ये काफ़ी मतलब इस क्लास गाड़ी में मेरे को सही नहीं लगे, ये कवर होना था इसमें प्लास्टिक आना था, बट ठीक है जो भी है टाटा ने क्या कॉस्ट कटिंग, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग मेरे को लगता नहीं करनी चाहिए थी, ये बड़ा ही एक ऑड सा लग रहा है इस गाड़ी में। दिखाना हैंड ब्रेक पे एक बार, ये आप देख सकते हैं हैंड ब्रेक बिल्कुल डिफरेंट है इस क्लास में, और कैमरा क्वालिटी भी दिखा देता हूँ मैं आपको, कैमरा क्वालिटी मेरे को इतनी खास नहीं लगी इस गाड़ी के हिसाब से। साइड मिरर्स कहाँ से बनोगे, डबल प्रेस कर दीजिए मिडल में लेके, वन टैप इसको रोटेट कीजिए मिडल, ओके अप डाउन नीचे कर दीजिए एक बार वन क्लिक, ओके
चुका हूँ, हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, ओके लेफ्ट टू फिर राजीव चौक, राजीव चौक से आपका हीरो होंडा एंड देन कंप्लीट एक राउंड लेकर हम वापस आ जाते हैं। ओके तो इसमें आप मेरे को ये बताओ, इसमें जो आप बता रहे हो सिटी स्पोर्ट मोड वो कहाँ पे है? जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं सर, यहाँ पर आपका दिख रहा है फर्स्ट आपका इको मोड एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स मोड। अगर आप चाहें तो इन दोनों को ही एक्टिवेट। अच्छा, इसमें दो मोड है, मतलब इको मोड है और स्पोर्ट मोड है। अभी आप बाय डिफॉल्ट जो गाड़ी ड्राइव करते हैं वो सिटी मोड पे ड्राइव कर रहे हैं, आप जैसे की अभी सिटी कंडीशन में ड्राइव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अभी बाय डिफॉल्ट सिटी ड्राइव पर ही रहेगा। आप चाहे इसको चेंज कर सकते हैं रफ रोडिंग पर या उसके बाद आपका वेट सरफेस पर, ओके ओके, तो ये उसके हिसाब से टेरेन मोड्स इसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो अपने बाय डिफॉल्ट ये सिटी मोड में रहती है और इसमें आप इको मोड और स्पोर्ट मोड में भी ड्राइव कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बताता हूँ इसके जो टेरेन मोड्स हैं वो मैं डिफरेंस बताता हूँ। बेसिकली जो ये अपने सिटी मोड और स्पोर्ट मोड और इको मोड होते हैं ये बेसिक आपको जो है इंजन को ट्यून करते हैं, इंजन की पावर को। और जो टेरेन मोड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके हर चीज़ कंट्रोल करते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD, वो सबको कंट्रोल करके जो ये मोड्स हैं, दोनों मोड्स में बेसिकली यही डिफरेंस है, वो आपका सिर्फ इंजन ट्यून करेगा जो आपके सिटी और जो नेक्सॉन में आते हैं। और जो टेरेन मोड्स हैं ये इसमें डिफरेंस ये आता है, ये आपका बिल्कुल ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो भी गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स हैं उनको कंट्रोल करके आपकी गाड़ी ड्राइव करता है, ताकि अगर आप रफ रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, रोड सरफेस पे काफ़ी ग्रेवल्स हैं या मड है, तो उस हिसाब से वो अपना ट्रैक्शन कंट्रोल सब कुछ कंट्रोल करके अपना इंजन को पावर देता है, ताकि आपकी गाड़ी स्किड वगैरह ना हो और गाड़ी कहीं भी फंसे नहीं किसी भी मड वगैरह किसी ग्रेवल्स उसमें, तो उस चीज़ के लिए मोड्स होते हैं। दोनों मोड्स में बेसिकली ये डिफरेंस है। बाकी आप देख सकते हैं इसका जो MID भी वो काफ़ी मतलब गुड लुकिंग है पूरा, उसमें इस टाइम डिस्टेंस जो आपने दिखा रहा है पूरा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप। और बाकी सर इस थोड़ा आप इसके बारे में बताएं। GIS जो है सर इसके अंदर ट्रैवल इंफॉर्मेशन सिस्टम वो 7 इंचेस दिया गया है। इस नॉर्मली सेगमेंट के अंदर जो गाड़ी है उनके अंदर आपका 3.5 इंचेस ही आता है। ओके ओके, इसके अंदर आप देख सकते हैं ड्राइवर का इसमें बाकी प्लस ये आपका कार सिस्टम भी बनता है कुछ चीजें जो है वो आपका आप दोनों इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड GIS इसमें आप कुछ फीचर्स बता सकते हो? ये टच स्क्रीन फ्लोटिंग डिस्प्ले आइलैंड के साथ आता है, तो एप्पल कार प्ले और सब कुछ है इसके अंदर जी। इसमें आप कार कनेक्ट आपका एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट, वो दोनों ही चीजें आप एक कनेक्ट नेक ऐप के थ्रू यूज करते हैं। ओके ओके, बाकी आप देख सकते हैं ये जो है सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है, ये नापा ग्रीन सॉफ्ट टच डैशबोर्ड के साथ आता है, एंटी रिफ्लेक्टिव है। जो आप फिनिशिंग वुड फिनिशिंग देख रहे हैं ये ऑफ वुड फिनिशिंग के साथ आएगा। ओके ओके, हेडरूम भी काफी है गाड़ी में जी। बाकी इसमें आप एक देख सकते हैं जो मैंने नोटिस किया है, ये आप मैनुअल है इसके अंदर, और अगर आप 15-18 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो और आपको ये मैनुअल मिल रहा है तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आज तो 7-8 बेलिनो वगैरह 7-8 लाख की गाड़ी में ये ऑटो डिमिंग आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी कमी है टाटा की तरफ से। बाकी ठीक है, अब तो जो है टॉप मॉडल में भी ये मैनुअल है तो आई थिंक ठीक है। और अगर मैं इसके इंजन की बात करता हूँ तो इसमें 140 BHP एक्चुअली 138 BHP का इंजन है, जो फीएट सोर्स है 2000 लीटर का, वेरिएबल टर्बो चार्जर है, तो पावर में आई थिंक कोई कमी नहीं है, अभी देख सकते हैं हम उसका लगभग 0-100 भी आई थिंक 11-12 सेकंड्स के अंदर है, तो पावर में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर, कंपास को टक्कर देती है। और बाकी गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी ठीक है, अभी फोर्थ गियर में और हम 90 तक पहुँच चुके हैं फोर्थ गियर में, तो काफ़ी है 6 गियर गाड़ी है, तो गियर शिफ्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ्रीक्वेंट गियर चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी इसमें और इंजन में तो आपको पता ही है ट्राई टेस्टेड एफिएट इंजन, तो आप नेक्सॉन में तो चलो आप सोच भी सकते हो टाटा का नया इंजन है, बट ये ट्राइड और टेस्टेड इंजन है, तो आप इंजन के उससे तो इस गाड़ी को आराम से ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। यही अपना इंजन जीप कंपास में भी है, तो फ्रेंड्स मैं आपको मोड सिखाता हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट ये सिटी मोड में है, तो आप देख सकते हैं आप स्पीडोमीटर की नीडल को नोट करना, ये हम सिटी मोड में ड्राइव कर रहे हैं। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना इको मोड, ये अब इको मोड में जा चुकी है गाड़ी, तो आप इसमें देख सकते हैं कि
काफ़ी फ़र्क है अगर मैं स्पोर्ट मोड लगाता हूँ एक सेकेंड। तो आप देख सकते हैं मैं स्पोर्ट मोड डाल दिया मैंने और आप गाड़ी की देख सकते हैं पावर। बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज है पावर का, 110 टच कर चुकी है। देख सकते हैं आप इसकी हाईवे की काफी अच्छी है। तो सर इसका थोड़ा माइलेज आप डिस्क्राइब करो, मतलब आप जो बता रहे हो कि इसका जो माइलेज है सर वो 16.7 क्लेम माइलेज है आर आई मैटर्ड के। जो 16.7 है वो किस मोड में है क्लेम? जो आपका सिटी बाय डिफॉल्ट मोड आप यूज करते हैं उस मोड में। ओके ओके, अगर हम इसको इको में करते हैं और अगर स्पोर्ट में करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा? सर वो डिफरेंस जो आता है वो आपकी ड्राइविंग कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं उसके बाद पर गाड़ी की जो माइलेज है वो 1% इंक्रीज हो जाती है अगर आप इको मोड पर है। इको मोड और सेम आप जब स्पोर्ट्स मोड पर पूरी पावर का यूज करते हैं तो फिर वो डिक्रीज हो जाएगी 1%। ओके ओके, फ्रेंड्स ये हमने इसका ड्राइव रिव्यू किया है। मैं मतलब जो 16.7 माइलेज है मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका ग्रॉस वेट देखते हैं तो लगभग 1680 केजी के अराउंड है, और जो अगर आप कंपस से कंपेयर करते हैं तो कंपस का वेट भी 1570 केजी के अराउंड है। मतलब लगभग ये कंपस से भी 100 केजी हैवियर है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हुए तो 16.7 माइलेज बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी है। और हर चीज़ ये नहीं है, अब टाटा की आपने रिसेंटली एड भी देखी होगी कि कितना देती है ये मत पूछो, कितना सेफ है ये भी पूछो। तो गाड़ी अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा माइलेज, इतना इतनी बुरी भी नहीं। अगर 2000 cc का आप इंजन ड्राइव कर रहे हो तो 16.7 की माइलेज बुरी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी गाड़ी का ऐसी मेजर कोई कमी नहीं है गाड़ी में, छोटी मोटी इशू मैंने आपको बताया ये ऑटो डिमिंग वगैरह वो सब चलता है, अगर आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी मैं अभी आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ। सर एक बार आप फ़ोन कनेक्ट करके साउंड क्वालिटी इसकी दिखा दें। अच्छी है, JBL पावर्ड है तो साउंड में तो कोई डाउट हो नहीं सकता। तो हमारा ठीक था, ये एक पूरा हमने रिव्यू किया आज हैरियर का। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी को, आई थिंक मैं इसको बंद करना भूल गया हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हैरियर अपर वॉल। तो सर बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका एड्रेस आ रहा होगा चैनल पर, तो आप देख सकते हैं ये। ओके।